हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आर शर्मा। हमारा व्याकरण की सीरीज, जो व्याकरण का टॉपिक है उसकी सीरीज चली हुई है। दो क्लासेस कंप्लीट पहले हो चुकी है जिसमें आपको स्वरों के बारे में अवगत करवाया था और उसके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हम आज तीसरी लेक्चर लेके आए हैं जिसका लेक्चर जो है आपका व्यंजन के ऊपर। क्यों हमारा स्वरों का बात होगी थी, स्वरों की संख्या कितनी थी, 11 स्वर थे हमारे, उसका वर्गीकरण हमने 3-4 प्रकार से कर लिया था। आज हम बात करेंगे व्यंजन के ऊपर, ठीक है। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन क्या चीज है कि जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं वह ध्वनि, अर्थात जिनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। अस्तित्व से तात्पर्य है जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, अर्थात जिनके उच्चारण के लिए हमें क्या है, स्वरों की सहायता लेनी होती है, वो क्या है आपके व्यंजन होते हैं, ठीक है। और कई बार जैसे भाषा अध्यापक की परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि शुद्ध व्यंजन कौन से होते हैं, तो शुद्ध व्यंजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जिसमें हलंत होता है वो आपके क्या होते हैं, शुद्ध व्यंजन होते हैं। जिसमें हलंत लगा होता वो क्या है, शुद्ध व्यंजन होते हैं। और व्यंजनों को उच्चरित करने के लिए, उनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जो व्यंजन है उनकी कुल संख्या कितनी है? अगर आपसे सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 होती है, या मानक व्यंजन कितने हैं तो भी आपका प्रश्न जवाब क्या होगा, 33 होते हैं। लेकिन यदि आ गया कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन होते हैं तो उत्तर होगा 39, ठीक है। क्योंकि आपके जो 33 हैं, 33 मानक व्यंजन होते हैं, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन, जो इन्हीं व्यंजनों का मेल है, मिलकर ये 39 व्यंजन कुल हो जाते हैं, ठीक है। तो टोटल व्यंजन कितने हैं, 39। यदि पूछ लिया मानक व्यंजन कितने हैं, 33। या सामान्य प्रश्न आ गया कि हिंदी वर्णमाला में या हिंदी भाषा में कि कुल कितने, सॉरी आपसे अगर कुल पूछ ले तो 39 है, और अगर सामान्य प्रश्न पूछ लिया कि व्यंजन कितने हैं तो आपके पास 33 जवाब होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम इनकी वर्गीकरण की बात करें तो हमारे व्यंजन है उनका वर्गीकरण किया जाए तो सबसे पहला जो वर्गीकरण होगा वो होगा मुखांगों द्वारा श्वास अवरोध के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। कि जो मुख के विभिन्न अंग हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं श्वास का अवरोध किया जाता है, रोकी जाती है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो व्यंजन है वो कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन है जो किसी ना किसी मुख के अंग को स्पर्श करते हुए उच्चरित होते हैं, वो क्या आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं स्पर्श व्यंजन, टोटल कितने हैं, 25, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है तो 25 होती है। कौन कौन से होते हैं, जो आपके क वर्ण से लेकर म तक, ठीक है, कहां से, क से लेकर म तक जितने भी आपके व्यंजन है वो किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात जो हिंदी वर्णमाला में वर्गीय वर्ण होते हैं, वर्गीय वर्ण बोले तो जैसे प्रश्न दिया हुआ था, ये पहले भी पूछा हुआ था कि हाँ जी बताइए हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो वर्ग कितने होते हैं, हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, ठीक है, अर्थात क से आरंभ होने वाले जो आपका वर्ग है, जैसे क ख ग घ ग च छ ज झ, तो च से आरंभ होने वाले च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो ये वर्ग हैं इनके अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो हर वर्ग में कितने होंगे, 5 वर्ण, और वर्ग कितने हैं, 5। एक वर्ग में वर्ण कितने होंगे, 5, और कुल वर्ग कितने हैं, 5 हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया कि मूल स्पर्शी कितने होते हैं, क्या यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया कि मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो मूल स्पर्शी अलग है, मूल स्पर्शी केवल 20 होंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया कि मूल स्पर्शी कितने हैं तो केवल 20 होंगे। कौन से नहीं होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो मूल स्पर्शी के अंतर्गत नहीं आएंगे वो कौन से हैं, हर वर्ग का पंचमाक्षर, पांचवा जो अक्षर है हर वर्ग का, जैसे क वर्ग का ग, च वर्ग का अयं, ट वर्ग का
वर्ग का न और प वर्ग का म। ये जो पांचों वर्ण है पंचमाक्षर है यह क्या है मूल स्पर्शी में नहीं आते, मूल स्पर्शी में इनको छोड़कर जो शेष 20 हैं वो आपके मूल स्पर्शी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते हैं कि स्पर्श संदर्शी कि ऐसे व्यंजन जो किसी भी अंग को स्पर्श तो करते हैं लेकिन घर्षण के साथ संघर्ष के साथ उच्चरित होते हैं ऐसे कितने वर्ण है या कौन से वर्ण है तो आपके स्पर्श संघर्षी, ध्यान रखना है यदि दोनों वर्ण आपके स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं तो जवाब है 4। कौन कौन से हैं? च है, छ है, ज है तथा झ है। ये जो चारों वर्ण है ये क्या कहलाते हैं स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं, अर्थात यह व्यंजन कैसे हैं जो किसी न किसी अंग को मुख के अंग को का स्पर्श तो करते हैं लेकिन साथ में संघर्ष के साथ घर्षण के साथ उच्चरित होते हैं इसीलिए स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। कितने हैं? 4। ठीक है जी, उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बहुत बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो आपकी इसके भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं या क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में क्या है ध्वनि, जिन व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनि कुछ मुख में दबी सी रह जाती है, अंदर ही कुछ दबी सी रह जाती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल तथा व। जो ये चार ध्वनियां है चार वर्ण है ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में क्या है य, र कुछ जो आप आवाज है कुछ दबी सी रह जाती है मुख के अंदर इसलिए अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं अर्ध स्वर कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अर्ध स्वर होते हैं तो अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है 2। अर्ध स्वर कितने होंगे 2। किसे कहेंगे अर्ध स्वर? अर्थात वह स्वर जो क्या है जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो या कहें कि स्वर के जैसे या स्वर से प्रतीत होने वाले जैसे हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल कम समय लगता है संघर्ष बहुत कम लगता है तो ऐसे व्यंजन क्या है आपके अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इनकी केवल मात्रा नहीं लगती, अगर मात्रा लग जाती तो ये स्वर ही होते, इनकी मात्रा नहीं लगती बाकी इनका जो काल है वो इतना है कि बहुत कम है। कौन कौन से हैं? य और व। कौन कौन से? य तथा व। ये दो व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं अर्ध स्वर कहते हैं और बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि अर्ध स्वर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अच्छा आखिरी है उष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, उष्म या संघर्षी व्यंजन ये कौन से होते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण करते समय उष्मा अर्थात उष्म मतलब गर्म श्वास बाहर निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं या उन्हें क्या कहते हैं संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान रखना है यदि केवल उष्म या संघर्षी व्यंजन तो जवाब अलग होगा लेकिन हमने ऊपर पढ़ लिया है स्पर्श संघर्षी, अगर स्पर्श संघर्षी पूछ लिया तो जवाब अलग है। संघर्षी व्यंजन कौन से जो आपके 4 है श, षटकोण वाला श, स तथा ह, तो ये 4 हैं इन्हें क्या कहते हैं उष्म या संघर्षी कहते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा है ये तालव्य है ये मूर्धन्य श है और ये आपका स तथा ह, इन चारों को क्या कहते हैं उष्म या संघर्षी कहते हैं। यदि केवल प्रश्न पूछ लिया गया कि संघर्षी व्यंजन कौन से हैं तो संघर्षी है श, श, स तथा ह, लेकिन यदि स्पर्श संघर्षी शब्द आ जाए तो क्या होंगे च, छ, ज तथा झ। अच्छा अब ध्यान रखना है आपने कि अगर आपसे पूछ लिया व्यंजन कितने हैं तो केवल 33। कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हुए स्पर्श 25। उसके बाद है ये इसी के अंतर्गत आएंगे मूल स्पर्श या स्पर्श व्यंजन, उसके बाद है अंतस्थ, अंतस्थ कितने होते हैं 4, और उसके बाद है आपके अर्ध स्वर इसी के अंतर्गत है, उसके बाद है उष्म या संघर्ष ये कितने हैं 4, तो 25 और 4 29 और 4 33। तो जो आपके मानक व्यंजन होते हैं या कुल आपके व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में कितने हैं 33 है और आपके यही वाले होंगे। उसके बाद है कि कुल व्यंजन जिनके हम बात करते हैं कि कुल व्यंजन है आपके तो कुल व्यंजन कितने होते हैं 39 होते हैं, वो कैसे होते हैं 33 तो आपके ये वाले व्यंजन होंगे। उसके बाद है संयुक्त व्यंजन,
अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि ऐसे व्यंजन जो क्या है संयुक्त मतलब दो व्यंजनों का मेल होता है, हम क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार होती है। कौन कौन से होते हैं, एक है क्ष, एक है त्र, एक है ज्यों और एक है श्र। ठीक है, क्ष त्र ज्यों तथा श्र ये चार व्यंजन हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनका निर्माण किन किन व्यंजनों के मेल से होता है वो ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, ये बताइए संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से हुआ है, तो जो क्ष है इसका निर्माण कैसे हुआ है, क धन श से हुआ, अनंत कहां लगेगा क में। त्र का निर्माण त धन र के मेल से हुआ है। इसी तरह ज्ञ का निर्माण ज में हलंत और अय टवर का पंचमाक्षर, ये सॉरी चवर का पंचमाक्षर, और श्र कैसे हुआ श में हलंत तथा र धन। अब इसमें सबसे आसान तरीका है पहचानने का, तो पहले वाले वर्ण है उसमें हलंत होगा, पहले वाले वर्ण में हलंत होगा, दूसरे वाले वर्ण में हलंत नहीं होगा। पहले वाले में हलंत होगा चारों में और दूसरे वाले में हलंत नहीं होगा, पहली पहचान की यही है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन किसे कितने होते हैं चार माने जाते हैं स्वर। ठीक है, लेकिन अब एक प्रश्न आया हुआ था कि एक था संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और दूसरा पूछा हुआ था द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, मैंने आपको ऐसे व्यंजन जो दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बने होते हैं हम क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे एक शब्द है क्या, ठीक है क्या, यहां पर क्या है क आधा है और या पूरा है, तो यहां पर क्या है संयुक्त रूप में लिखा गया है, हम संयुक्त कहते हैं। यानी बताइए इनमें से किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो जो क्या शब्द है ये आपके संयुक्त होते हैं। ठीक है, और दूसरा है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाता है, एक बार स्वर रहित एक बार स्वर सहित। जैसे शब्द है मिट्टी, ठीक है मिट्टी में क्या है एक जो ट वर्ण है दो बार प्रयोग हुआ, एक बार क्या है स्वर रहित एक बार स्वर सहित। ध्यान रखना है संयुक्त व्यंजन में क्या हुआ, वहां भी एक व्यंजन स्वर सहित एक स्वर रहित होगा, अर्थात यहां पर अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ेंगे लेकिन एक आधा हुआ एक पूरा, उसे क्या कहेंगे संयुक्त व्यंजन। जब एक ही व्यंजन एक बार आधा और एक बार पूरा हो उसे क्या कहेंगे द्वित्व व्यंजन, और ये पूछा गया है एलटी में। ठीक है, ध्यान रखना संयुक्त व्यंजन कौन से हुए कि दो व्यंजन एक आधा और एक पूरा लेकिन अलग अलग जाति के, और द्वित्व क्या हुआ एक ही व्यंजन एक बार आधा एक बार पूरा, इसे क्या कहेंगे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ये हुए अगर आपसे सामान्य रूप से पूछ ले कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो कुल हमारे पास चार होते हैं, कौन कौन से क्ष त्र ज्ञ और श्र। एक बार जो ज्ञ शब्द है इसका उच्चरित पूछा गया है, इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं ज्ञ से ज्ञानी ग या, ठीक है ज्ञ ज्ञ पढ़ते हैं इसका शुद्ध उच्चारण, जबकि गलत इसका शुद्ध उच्चारण क्या है ज्ञ इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्ञ, लेकिन अब मानवीकरण इसका यही हो गया है इसको यही माना जा रहा है, लेकिन जो इसका शुद्ध उच्चारण होता है वो क्या होता है ज्ञ होता है, क्या पढ़ते हैं ज्ञानी पढ़ते हैं ज्ञ से ज्ञानी, हमने यही पढ़ा होगा बचपन में पहली दूसरी कक्षा में ज्ञ से ज्ञानी होता है, लेकिन इसका जो शुद्ध उच्चारण होता है वो क्या होता है ज्ञ होता है, क्योंकि ज धन अय के मेल से ये निर्मित होता है। ठीक है, चलिए ये हो गए संयुक्त व्यंजन, अर्थात 33 हमारे कौन से थे मानव व्यंजन, चार कौन से हो गए संयुक्त व्यंजन। उसके बाद है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीवा क्या है मूर्धा को एक बार स्पर्श करे और झटके के साथ वापसी आ जाती है, उसे क्या कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कि जिन व्यंजन के उच्चारण करते समय क्या है जीवा मूर्धा को झटके के साथ स्पर्श करके वापसी आती है, उसे हम क्या कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, दो होते हैं, कौन कौन से, एक आपका अड़ाव होता है और एक आपका अड़ाव होता है पढ़ाई वाला, और एक सड़क वाला अड़ाव होते हैं। इन दोनों वर्णों को क्या कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, या इन्हें अन्य नाम से भी जाना जाता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है,
या इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं या इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। उसके बाद है प्रकंपित या लुंठित ध्वनि कि हिंदी वर्णमाला में प्रकंपित या लुंठित ध्वनि कौन सी होती है, तो इसमें कौन सी है, ऐसी ध्वनि जिनके उच्चारण में जिह्वा क्या है लुंठित थोड़ी मुड़ सी जाती है, प्रकंपित और कंपन करती है। जैसे र, र का उच्चारण करते हैं तो जिह्वा कैसी कंपन करती है, तो र क्या है आपकी लुंठित ध्वनि है या प्रकंपित ध्वनि होती है। उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक क्या होता है, आपने सुना होगा पार्श्विक गायक, अर्थात ऐसे जो क्या है मंच में स्टेज के पीछे जो गाने वाले लोग होते हैं, स्टेज पे क्या है नायक मतलब जिसको हीरो बोलते हैं आप, हीरो या हीरोइन क्या है केवल लिपसिंग काम करते हैं और जो आपके गाने वाले हैं वो कौन होती है गायिका कोई होती है पार्श्विक गायिका मतलब स्टेज के पीछे गाती है। तो पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, पार्श्विक व्यंजन वो व्यंजन है जिनके उच्चारण करते समय क्या है जिह्वा एक बार ऊपर ताल को स्पर्श करती है और क्या है जी आपकी जो श्वास है वो अगल बगल से बाहर निकलती है, वो क्या है आपके पार्श्विक व्यंजन है। कौन सा है ल वर्ण, तो ल क्या है आपका पार्श्विक है और प्रकंपित या लुंठित कौन सा है र होता है। उसके बाद है अयोग वाह, अयोग वाह ध्वनिया कौन सी होती है, अयोग वाह और योग जिनका योग नहीं है फिर भी वहन करते हैं साथ चलते रहते हैं ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं अयोग वाह कहते हैं। कौन कितने होते हैं दो, कौन कौन से होते हैं, एक आपका अंग होता है और एक अह होता है, ये दोनों ही क्या है अयोग वाह, इनका योग स्वरों के साथ व व्यंजन के साथ ना होते हुए भी वहन करते हैं साथ चलते रहते हैं इसलिए हम क्या कहते हैं अयोग वाह कहते हैं। उसके बाद है कि नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, अब नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण वैसे उनका वर्गीकरण जब हम करेंगे कि उच्चारण स्थान में इनका स्थान आता है, लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि नासिकीय व्यंजन क्या होते हैं जिनके उच्चारण करते समय श्वास क्या है नाक से भी प्रवाहित होती है। जैसे हर वर्ग का पंचमाक्षर कौन कौन से आपके, जैसे क वर्ग का ग, च वर्ग का अयम, त वर्ग का अण, त वर्ग का ण, ग वर्ग का म, ठीक है ये आपके क्या है नासिकीय व्यंजन होते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हमने बात की थी आपकी कि जो आपके व्यंजन है वो कितने हैं 33, लेकिन कुल व्यंजन कितने हैं 39, कौन कौन से हैं, तो 33 तो हो गए आपके जो हमने यहां पढ़े स्पर्श व्यंजन, ठीक है अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, 25 और 4 29 और 4 33, 33 व्यंजन ये वाले हो गए। संयुक्त व्यंजन चार जोड़ दिए हमने, कितने हो गए 37, ठीक है उत्क्षिप्त दो जोड़ दिए तो कितने हो गए 39, तो जो आपके कुल व्यंजन है वो कितने होते हैं 39 है और यहां तक आपके कुल व्यंजन होते हैं। उसके बाद आपके र और ल का अध्ययन पहले हो चुका है, अंग और हवा ये क्या है केवल ध्वनियां हैं केवल वर्ण हैं जिनके योग से इनकी संख्या कितनी बताते हैं कि इस टोटल संख्या कितनी होगी इनकी 52 होती है। अब कैसे भी 52, कुल जो हमने बात की थी कि हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियां कितनी होती है तो 52 होती है, कौन कौन सी 11 आपके स्वर हो गए ठीक है और 39 आपके व्यंजन हो गए, कितने हो गए 39 और 11 50 और 2 आपके कौन से हैं जो आपके सॉरी अंग और आ ठीक है ये दो आपके जुड़ गए, इसी तरह से टोटल ध्वनियां कितनी हो गई 52 हो गई। उसके बाद कुछ ध्वनियां ऐसी होती है जो आगत व्यंजन है या आगत स्वर है वो अलग है, लेकिन जो हिंदी वर्णमाला में कुल ध्वनियां हैं कुल वर्ण है वो कितने हैं आपके 52 होते हैं और ये मैं आपको बता दी कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है तो ये रहा हमारा स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण अभी आगे होगा, स्वर तंत्रियों के आधार पर प्राणांतों के आधार पर नासिकीय उच्चारण स्थान के आधार पर आगे भी वर्गीकरण होगा, लेकिन आज आपकी जो क्लास है वो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसीलिए मैं आपको अगली क्लास में वो चीज करवा लूंगा। ठीक है तो यहाँ तक अगर किसी को समस्या हो तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं और साथ ही आपको बता दूं तो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें भी आपको डेली क्विज के क्वेश्चन मिलते रहते हैं हिंदी से संबंधित और एसएनजी के संबंधित, 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली मिलेंगे तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।